कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे, जीवन का रस। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, जब ये सुना तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लिए और रास देखने गए। ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है। कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। रास शब्द का मतलब है रस। ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि रस नहीं है बल्कि हार्मोन्स हैं। उनमें जीवन का रस नहीं है, यानी जीवन ही नहीं है, जीवन की तीव्रता ही नहीं है। तो रास यानी जीवन का रस शरीर का नहीं बल्कि जीवन का, क्योंकि शरीर के रस कम ज्यादा होते रहते हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की। तो पूर्णिमा की रात के नृत्य को रास कहते थे, क्योंकि वो जीवन के रस से भरा हुआ होता था। वो रात की हार्मोनल पार्टी नहीं हुआ करती थी, ना तो वो शराबियों की पार्टी थी, वो कामुक लोगों की पार्टी नहीं थी। ये उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर थे, तो उसे रास कहा जाता था। तो ये रास मशहूर हो गया। जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा, उनकी वजह से रास की बातें फैलने लगी। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, इसके बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है, तो वो देखना चाहते थे, क्योंकि वो रास करने वालों में से नहीं है, वो तांडव करते हैं। आंखें बंद हो तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता। वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, ना आदमी ना औरत, वो वहां हो ही नहीं सकते, वो ऐसा नाचते हैं। तो जब उन्होंने इस नए नृत्य के बारे में सुना जहां रस बह रहा है, तो वो देखना चाहते थे। वो यमुना के तट पर पहुंचे और वो नदी पार करना चाहते थे। एक नाविक ने, जो वहीं मौजूद था, उसने देखा, क्योंकि शिव एक पुरुष हैं, शायद शायद नहीं, शिव ही इस धरती के सबसे फिट देव हैं। योग विद्या में, योग संस्कृति में कहते हैं कि वो 9 फीट लंबे थे। इसकी वजह यह है कि जब वो नीचे की ओर आए दक्षिण भारत में, तो कहते हैं कि वो एक औसत औरत से लगभग 2 गुना लंबे थे। तो आमतौर पर उस समय दक्षिण भारत में औरतों का कद 4.5 से 5 फुट के बीच था, तो माना जाता है कि वो 4.5 से 8 फुट के बीच थे। तो वो एक पुरुष हैं, परम पुरुष। तो नाविक उन्हें देख के बोला, आप बहुत ज्यादा ही पुरुष हैं, आप रास में ऐसे नहीं जा सकते, वहां बस एक ही पुरुष है, सिर्फ एक, वहां कृष्ण ही पुरुष हैं, इस तरह का आदमी वहां नहीं जा सकता। शिव बोले, तो अब मैं क्या करूं? वो बोला, कम से कम वहां औरतों के कपड़े पहन के जाइएगा। वो बोले, क्या मैं औरतों के कपड़े पहन कर जाऊं? वो बोला, वरना आप रास में नहीं जा सकते। तब वो बोले, अब मुझे औरतों के कपड़े कहाँ मिलेंगे? तब वो नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, वो आपको अपने कपड़े दे देगी, आप उन्हें पहने और जाएं, रास में सही तरीके से हिस्सा लीजिए, एक स्त्री गुण की तरह, ना कि पुरुष गुण की तरह। तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया, जो उसने पहने हुए थे। मेरा मतलब है, वो एक गरीब परिवार था। शिव ने देखा कि ये एक दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं हैं। उसने वो कपड़े पहनने के लिए कहा था जो उस स्त्री ने पहने हुए थे। कहीं कहीं बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, शायद ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, जिसमें एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है और शिव ऐसे कपड़े ले रहे हैं और शिव रास में जाते हैं। ये कहानी कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें
ये बताती है कि अगर आपको रास को जानना है तो आपको उस त्रिगुण को जानना होगा, नहीं तो आप रास नहीं जान पाएंगे। ये प्रकृति स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है, समझे आप? ये स्त्री गुण की सबसे शानदार तारीफ है, स्त्री नहीं त्रिगुण। क्योंकि इस संस्कृति में हमने हमेशा समझा है कि जीवन सिर्फ तभी सुंदर होगा जब स्त्री गुण और पुरुष गुण की भूमिका बराबर हो। आज हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं कि जिसमें स्त्री गुण खत्म किया जा रहा है। आज सफल होने के लिए औरत को आदमी जैसा बनना पड़ता है, वरना कोई चांस नहीं है कि वो आज की दुनिया में सफल हो पाएगी। स्त्री गुण का खून किया जा रहा है। आप देखिए ये हो रहा है। आप दुनिया में कहीं भी जाए, अब सामान्य बातचीत में भी लोग बिल्कुल पहले जैसी बातें नहीं करते। अब वो मौसम की भी बातें नहीं करते जैसे पहले करते थे। आज दुनिया का हर बेवकूफ एक ही बात कर रहा है, इकॉनमी। कहीं भी जाएं, इकॉनमी का क्या हाल है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, कोई मानसून के बारे में भी नहीं पूछ रहा है। सभी सिर्फ अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट की ही बातें कर रहे हैं। इसका मतलब पुरुष प्रकृति हावी हो गई है, जीवन यापन सबसे बड़ी चीज बन गई है। एक सरल सी चीज, इकॉनमी का मतलब क्या है? बस जीवन यापन है ना, जीवन यापन के पेचीदा तरीके। हाँ या ना, जीवन यापन का प्रोसेस, भोजन कैसे मिलेगा, ये कैसे करें, वो कैसे करें, कैसे कुछ बना ले, ये जीवन यापन हुआ। घर बनाना, खाना, कपड़े पहनना, थोड़ी खरीदारी करना, है ना, ये जीवन यापन है। अब हम बस जीवन यापन की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री गुण काफी हद तक दूर कर दिया है। कम से कम घर में इसे रखें, बाहर समाज में तो ये काफी हद तक खत्म है। पुरुष गुण ही सब कुछ है यहाँ। उनका संदेश ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री गुण ना हो तो असल में जीवन भी नहीं होगा। हम आदमी औरतों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम नर मादा की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो मूल गुणों की बात कर रहे हैं, पुरुष गुण और स्त्री गुण। तो कृष्ण का जीवन स्त्री प्रकृति का उत्सव है, क्योंकि पुरुष प्रकृति तो हर हाल में जाहिर होगी, यही उसका स्वभाव है। पर स्त्री प्रकृति को पोषित करना होगा, वरना वो खत्म हो जाएगी। चट्टाने वैसे भी होंगी पर फूल नहीं होंगे, हमें उन्हें पोषित करना होगा, है ना? हाँ, धरती पर चट्टाने वैसे भी होंगी, मौसम कैसा भी हो, तापमान कुछ भी हो, चट्टाने हमेशा होंगी। फूलों को देखभाल चाहिए, देखभाल नहीं होगी तो कोई फूल नहीं बचेगा। चट्टानों से आप कुछ बना सकते हैं, फूलों से आप क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। बात बस इतनी है कि जीवन में काम आना ही सब कुछ नहीं होता।